कासुमा गोकू और वेजिटा को सेलेस्टियल फॉर्म में देखकर काफी हैरान होता है और कहता है, ये नामुमकिन है, किसी भी सैयन के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन तुम दोनों ने ये कर दिखाया। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं तुम दोनों को इस पावर में देखकर। इस पे क्योगा कहता है, इन दोनों ने आखिर ये एक साथ कैसे कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा एक साथ कासुमा पे टूट पड़ते हैं, लेकिन कासुमा भी अपनी पावर को थोड़ा सा अप करता है और दोनों के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोकू और वेजिटा के हमले को एक साथ नहीं रोक पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ज़ेनोसामा को दिखाया जाता है जो कि थाइमस के पास होते हैं और वो थाइमस से कहते हैं, थाइमस, मैं जानता हूं तुम्हारा इन सभी से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन ये बात तुम भी भली भांति जानते हो, वो यहां पर भी जरूर आएगा। इस पे थाइमस कहता है, पिताजी, वो सब मैं देख लूंगा, मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, समझे। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, ठीक है थाइमस, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा वहां से निकल जाते हैं। इस पे गोरस कहता है, बड़े भाई, मैंने तो कभी भी गोबामा के बारे में नहीं सुना, आखिर ये है कौन? इस पे थाइमस कहता है, जैसा कि मैंने कहा, उसके बारे में कोई भी गॉड्स नहीं जानता, मैं भी उस बारे में नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही मैं समारा और आगामी के पास पहुंचा उन्हें हराने के लिए, उस वक्त मेरी लड़ाई कासुमा से हुई थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो मेरी सोच से ज्यादा ताकतवर होगा, वो काफी ताकतवर था, मैं समझ गया था कि मैं उससे नहीं हरा सकता हूँ, मुझे अभी और भी ज्यादा ताकतवर बनने की जरूरत है तो शायद मैं ये कर सकूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि यही वो तीनों है जो कि सभी मल्टीवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं गलत था, वहां पे कोई और भी था जिसके कहने पे वो ये सब कर रहे थे और वो लोग उससे डर भी रहे थे। मैं समझ गया था कि ये सब कुछ करने वाले ये तीनों नहीं है, इनके पीछे कोई और है जो कि ये सब उनसे करवा रहा है। इस पे गोरस कहता है, लेकिन बड़े भाई, अगर आप सभी यूनिवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग को हरा दें, तब तो उसे आप हरा सकते हैं ना? इस पे थाइमस कहता है, अगर एक पल के लिए मैं मान लूं कि मैंने समारा और आगामी को हरा दिया किसी भी तरीके से, तो उसे हराना लगभग नामुमकिन है, बेहतर यही होगा कि हम उसके सामने हार मान लें। इस पे गोरस कहता है, बड़े भाई, ये भला आप क्या कह रहे हैं? इस पे थाइमस कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, समझे गोरस, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, वो इतना ताकतवर है कि उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, उसका सामना करने योग्य कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, और मैं ये भली भांति जानता हूं कि वो यहां पर भी जरूर आएगा, और मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो को दिखाया जाता है जो कि एक अनजान सी जगह पे शांत खड़ा होता है, लेकिन तभी उसके सामने ज़ेनोसामा आ जाते हैं। इस पे अकुमो कहता है, तो तुम आ गए, मुझे पता था कि तुम दोबारा जरूर आओगे। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा अकुमो, तुम्हारा बेटा जिंदा है। इस पे अकुमो कहता है, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था ज़ेनो, मैंने तुम्हें वो सारी बातें नहीं बताई जो कि मैं जानता हूं। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या होने वाला है? इस पे अकुमो कहता है, मैं जानता हूं कासुमा गोकू को मारकर ओमनी किंग बनना चाहता है, उसे जो करना है वो करे, मैं उसे नहीं रोकने वाला। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम्हें पता है ना उसके बाद क्या होगा? इस पे अकुमो कहता है, हाँ मैं जानता हूं, कासुमा सभी सैयंस को मार देगा, समझे,
वो किंग ऑफ एवरीथिंग बन गया तो वो शायद किसी भी मॉर्टल को जिंदा ना छोड़े। जिस काम को मैंने अधूरा छोड़ा था वो शायद अब मेरा बेटा पूरा करेगा। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ उसे वापस लाने का था, उसका मकसद कुछ और है। क्या तुम्हें अभी भी नहीं दिख रहा? उसे रोकना होगा, समझे अकुमो? इस पे अकुमो कहता है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है ये बस उन सभी का बदला ले रहा है, समझे ज़ेनो? इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, मैं समझ गया अकुमो, तुम कायर हो, तुम बस अपने बेटे से लड़ना नहीं चाहते और बस उसे न लड़ने के लिए बहाने बना रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें लगता है कासुमा के ये करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम बहुत ही ज्यादा गलत हो। इस पे अकुमो कहता है, मैं जानता हूं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, समारा और अगामी, मैं जानता हूं, मैं उनके लिए कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा, समझे? इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, नहीं, तुम अभी भी गलत समझ रहे हो, क्योंकि असली मुसीबत वो दोनों भी नहीं है। पहले तो मुझे भी यही लगा था कि वो तीसरा शायद तुम्हारा बेटा कासुमा हो सकता है, लेकिन मैं गलत था। इस पे अकुमो कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है ज़ेनो? इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, वो तीसरा कोई और है, उसका नाम गोबामा है। इस पे अकुमो कहता है, क्या ये भला आप कौन है? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, पता नहीं, मैं भी इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं थाइमस के पास गया था इन सभी के बारे में पूछने के लिए। उसने मुझे बताया कि वो तीसरा कौन है, और सबसे हैरानी की बात तो यह है, उसके बारे में कोई भी गॉड्स नहीं जानते। हम जितना सोच रहे हैं ये मुसीबत उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है, समझे अकुमो? इस पे अकुमो कहता है, ज़ेनो, मेरा इन सभी से कोई भी लेना देना नहीं है, समझे? इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, ठीक है, मैं समझ गया, तुम अपने बेटे से लड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन मैं उसे रोकूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे मारने से भी पीछे नहीं हटने वाला, समझे? इस पे अकुमो कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा ज़ेनो, मैं इस मामले में कोई भी दखल नहीं देने वाला। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, आगे जो भी होगा उसका जिम्मेदार अब वो खुद होगा। इस पे अकुमो कहता है, ध्यान रहे ज़ेनो, अगर तुम सोच रहे हो तुम अपनी सेलेस्टियल सील का इस्तेमाल करोगे उसे मारने के लिए तो तुम गलत हो, उसके पास भी सेलेस्टियल सील है। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, हो सकता है उसके पास हो, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। इस पे अकुमो कहता है, तुम जानते हो ना, अगर तुमने अपनी ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल किया तो तुम जानते हो क्या हो सकता है। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम्हें ये मुझे बात बताने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से इसका अंजाम जानता हूं कि क्या हो सकता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं ये भी करने से पीछे नहीं हटने वाला। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा वहां से निकल जाते हैं, और उधर हम देखते हैं कि कासुमा गोकू और वेजिटा के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि कासुमा गोकू और वेजिटा के किसी भी हमले को रोक नहीं पा रहा होता। इस पे यामोशी जख्मी हालात में उठता है और कहता है, गोकू, वेजिटा, मेरी बात सुनो। लेकिन जैसे ही यामोशी ये बात कहता है हम देखते हैं कि वो दोबारा से नीचे जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्योगा यामोशी के पास जाता है और कहता है, यामोशी, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? इस पे यामोशी कहता है, क्योगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, गोकू और वेजिटा, उन्हें रोको जल्दी। इस पे क्योगा कहता है, क्या, लेकिन ये तुम क्या कह रहे हो यामोशी,
गोकू और वेजिटा, वो कासुमा पे काफी भारी पड़ रहे हैं। इस पे यामोशी कहता है, नहीं क्योगा, ये हम सबकी गलतफहमी है। वो ऐसा जानबूझकर कर रहा है। पता नहीं कैसे वो सेलेस्टियल एनर्जी को सोख सकता है। मैं जानता हूं ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो ये कर सकता है। मेरी भी एनर्जी को उसने सोख लिया। मैंने उस पे अपने जितने भी वार किए वो सब सिर्फ मेरी सेलेस्टियल पावर का अंदाजा लगा रहा था। उस पे जितना भी हमला करोगे वो सभी एनर्जी को सोख सकता है। इस पे कोरी कहती है, क्या ये तुम भला क्या कह रहे हो? सेलेस्टियल पावर को भी कोई सोख सकता है? ये किसी के लिए भी करना नामुमकिन है। कोई भी सेलेस्टियल एनर्जी को सोख नहीं सकता। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना है। ये भला कैसे मुमकिन है? इस पे यामोशी कहता है, मेरी बात का यकीन करो, मैंने खुद ये महसूस किया है। जब मैंने उस पे अपना पावरफुल हमला किया, उसने मेरी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। इस पे क्योगा कहता है, लेकिन गोकू और वेजिटा तो उसे काफी बुरी तरीके से पीट रहे हैं। इस पे यामोशी कहता है, ये सब कुछ सिर्फ वो उनकी सेलेस्टियल पावर को देखने के लिए कर रहा है। वो बस उन्हें आजमा रहा है, बिल्कुल अपने पिता अकुमो की तरह। उसे रोकना होगा, उन दोनों को जल्दी रोको। इस पे कुरी कहती है, लेकिन ऐसा करना तो नामुमकिन है, क्योंकि वो दोनों तो अपने होश में नहीं है। इस पे क्योगा कहता है, नहीं, यानी कि हमारी ये कोशिश भी बेकार है। इस पे यामोशी कहता है, हम ये सारी बातें बाद में कर सकते हैं। क्योगा, जल्दी उन्हें रोको। यामोशी के ये कहने के बाद क्योगा गोकू और वेजिटा से चिल्ला कर कहता है, गोकू वेजिटा रुक जाओ, तुम्हें ये सब अभी के अभी रोकना होगा। ये सब उसकी चाल है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा क्योगा की बात को अनसुना कर देते हैं और वो लगातार कासुमा पे अपना हमला किए जा रहे होते हैं। इस पे क्योगा कहता है, नहीं, इसका कोई भी फायदा नहीं है। वो दोनों पे तो मेरी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं? इस पे कासुमा मन ही मन कहता है, लगता है किसी को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया। लेकिन कोई बात नहीं, ये दोनों तो किसी की भी बातें नहीं सुनने वाले। चलो अब अपना पूरा जोर लगाओ। वैसे तुम दोनों कमाल के हो। गोकू अपना एक बहुत ही पावरफुल हमला कासुमा पे करता है और वेजिटा भी अपना एक बहुत ही पावरफुल हमला कासुमा पे करता है। और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा के हमले की ताकत बहुत ही ज्यादा होती है और उसकी एनर्जी वेव से कई सारे प्लैनेट नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद क्योगा कहता है, क्या उन दोनों ने ये कर दिया? इस पे यामोशी कहता है, नहीं क्योगा, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। और तभी हम देखते हैं कि कासुमा सामने आता है और कहता है, क्या बात है सैयन, मुझे इतना मजा तो पहले कभी नहीं आया। मैंने तो इस ताकत की कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे कोई ऐसा भी सैयन मिलेगा जो कि इस ताकत को भी अचीव कर सकता है? तुम सभी तो वाकई में काबिले तारीफ हो। जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा फिर से कासुमा पे अपना हमला कर देते हैं। लेकिन कासुमा उन दोनों के हमले को इस बार इजीली ब्लॉक कर लेता है और कहता है, तुम दोनों ने काफी हमले कर लिए, अब मेरी बारी है। इस पे कुरी कहती है, क्या कासुमा ने उनके हमले को खड़े खड़े रोक लिया? लेकिन इस पे यामोशी कहता है, मैंने कहा था इन सभी का कोई भी फायदा नहीं है। उसने गोकू और वेजिटा के सेलेस्टियल एनर्जी को सोख लिया है। इसके बाद कासुमा गोकू और वेजिटा पे अपना एक हमला करता है जिससे कि वो दोनों काफी दूर जाके गिरते हैं और वो दोनों अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं और काफी जख्मी होकर नीचे गिर जाते हैं। इस पे क्योगा कहता है, अब ये क्या,
अब तो ये हमारी सोच से कहीं ऊपर थे। गोकू और वेजिटा और यामोशी, अब हमारे पास क्या बचा है? क्या हमारे पास अभी भी कोई उम्मीद है? इस पे कासुमा कहता है, नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं उम्मीद की कोई भी गुंजाइश नहीं है, समझे? मुझे ये करना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन ये करना जरूरी है। मैंने तुमसे कहा था यामोशी कि मेरे साथ मिल जाओ, लेकिन तुमने मना कर दिया। अब मैं तुम सभी साइंस को एक साथ मार दूंगा। पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं किसी भी साइंस को नहीं मारूंगा, लेकिन तुम सभी साइंस बेवकूफ हो और सभी के सभी दिमागी रूप से काफी कमजोर हो। तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन तुम हमेशा दिमागी तौर से कमजोर ही रहोगे। इसलिए मैं तुम सभी साइंस को मार दूंगा। मुझे किंग ऑफ एवरीथिंग बनने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि ज़ेनोसमा वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे यूनिवर्स में आकर ये सब कर लोगे? इस पे कासुमा कहता है, क्या बात है ज़ेनोसमा, मैंने सोचा नहीं था कि आप भी यहां पर इस लड़ाई में आ जाएंगे। इस पे क्योगा कहता है, क्या ज़ेनोसमा, क्या सच में ज़ेनोसमा इसे रोकने यहां पर आए हैं? इस पे कूरी कहती है, पता नहीं आखिर ये खत्म भी होगा या नहीं, लेकिन कासुमा को रोकना हर हाल में बहुत ही जरूरी है। इस पे ज़ेनोसमा कहते हैं, मुझे पता है तुम ताकतवर हो, लेकिन भूलो मत तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। इस पे कासुमा कहता है, हाँ हाँ मैं अच्छे से जानता हूं आप भी काफी ताकतवर हैं, लेकिन मुझे आपकी कमजोरियां भी पता है। ध्यान रहे ज़ेनोसमा कि आप मुझे कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, आपको इसका पछतावा हो सकता है, क्योंकि आप जहां तक सोच रहे हो मैं उससे भी कहीं आगे निकल चुका हूं। इस पे ज़ेनोसमा कहते हैं, बहुत हुआ तुम्हारा ये खेल, तुम्हारी इस बेवकूफी की कीमत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मौत से होगी कासुमा। हम देखते हैं कि कासुमा ने गोकू और वेजिटा दोनों को अधमरा कर दिया होता है, लेकिन तभी वहां पे ज़ेनोसमा आ जाते हैं। कासुमा उन्हें देख के काफी हैरान होता है और कहता है, मैंने सोचा नहीं था ज़ेनोसमा कि आप यहां पर आएंगे। इस पे ज़ेनोसमा कहते हैं, तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें काफी भारी कीमत चुकानी होगी, समझे? और वो भी अपनी जान देकर। इसके बाद कूरी कहती है, ज़ेनोसमा भी इस लड़ाई में आ चुके हैं, लेकिन क्या सच में उनका सेलेस्टियल सील उसे हराने के लिए काफी है? इस पे क्योगा कहता है, मैं इस शक्ति के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ज़ेनोसमा एक ट्रू ओमनी ब्लड है, तो शायद कासुमा के लिए उन्हें हराना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इस पे यामोशी कहता है, नहीं क्योगा, तुम गलत हो, वो हर तरह के सेलेस्टियल एनर्जी को सोख सकता है, और ज़ेनोसमा चाहकर भी अपनी ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उससे काफी तबाही मच सकती है, और यही एक चीज है जो ज़ेनोसमा को हर लड़ाई से पीछे हटने पे मजबूर कर देती है। इस पे क्योगा कहता है, अगर ऐसी बात है तो ज़ेनोसमा भी क्या कुछ नहीं कर पाएंगे? ज़ेनोसमा कासुमा से कहते हैं, तुम्हारे पिता ने इस लड़ाई से मुंह मोड़ लिया है, शायद वो तुमसे लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि तुम उसकी कमजोरी हो और मजबूरी भी, लेकिन मेरी ना तो कोई भी कमजोरी है और अब ना कोई मजबूरी। इस पे कासुमा कहता है, ठीक है ज़ेनोसमा, आप जो चाहे कर सकते हैं, चलो आज मेरी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी, मैं एक ट्रू ओमनी ब्लड का सामना करूंगा। जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि
ज़ेनोसामा कासुमा की तरफ काफी तेजी से बढ़ते हैं। कासुमा अपनी पोजीशन ले लेता है और कहता है, आ जाइए ज़ेनोसामा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा कासुमा पे एक जोरदार हमला करते हैं, लेकिन कासुमा उनके पंच को रोक लेता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा थोड़े होश में आते हैं, और वेजिटा ये देख के कहता है, क्या ये भला क्या हुआ? तभी गोकू कहता है, वेजिटा वहां देखो, वो ज़ेनोसामा है, ये भला यहां पर क्या कर रहे हैं? इस पे क्योगा कहता है, तुम दोनों कासुमा का सामना नहीं कर पाए, तुम्हें ज़ेनोसामा का शुक्रिया करना चाहिए, अगर वो वक्त पे ना आते तो शायद तुम दोनों मारे जाते। इस पे गोकू कहता है, कासुमा हमारी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस पे वेजिटा कहता है, बेवकूफ कैकरोट, वो हम सबकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है, समझे? मुझे समझ नहीं आता कि हर बार हमारे पास कोई ना कोई नई मुसीबत आखिर कैसे आ जाती है। इस पे कोरी कहती है, तुम दोनों सैयंस काफी लाजवाब हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसे मामूली सैयन भी इतने ताकतवर हो सकते हैं कि वो सेलेस्टियल एनर्जी को अचीव कर पाए। इस पे वेजिटा कहता है, क्या बेवकूफ औरत, तुमने मामूली सैयन किसे कहा? इस पे कोरी कहती है, क्या तुम एक एंजल से ऐसे बात नहीं कर सकते? क्या तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? इस पे तुरंत गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा शांत हो जाओ, मैं इसे यहाँ पर बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ, और अगर इसने नाराज होकर मना कर दिया तो हम किसी को भी जिंदा नहीं कर पाएंगे। हे सुनिए मिस एंजल कोरी, मैं वेजिटा की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, ये थोड़ा नासमझ है। इस पे वेजिटा कहता है, क्या तुमने नासमझ किसे कहा कैकरोट? उस कासुमा से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पे क्योगा कहता है, तुम दोनों शांत हो जाओ, अभी हालात काफी गंभीर है, समझे? इस पे वेजिटा कहता है, हाँ हाँ मुझे दिखता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझे बेवकूफ कहीं के। इस पे क्योगा कहता है, क्या तुम वेजिटा? इस पे गोकू कहता है, आखिर मैं इसका क्या करूं? वेजिटा को ऐसे मोमेंट पे संभालना काफी मुश्किल होता है। तभी कोरी गोकू और वेजिटा के पास एक खास एनर्जी को छोड़ती है, जिससे कि वो दोनों तुरंत ठीक हो जाते हैं। इस पे गोकू कहता है, हमारे जख्म मिट गए, क्या बात है। इस पे वेजिटा भी कहता है, हाँ लेकिन ये भला कैसे हुआ? तुम हम सबको ठीक कर सकती थी तो ये पहले क्यों नहीं किया? तुम किसका इंतजार कर रही थी? इस पे कोरी कहती है, अगर तुमने मुझसे एक बार और बदतमीजी से बात की तो मैं यहां से चली जाऊंगी, समझे? इस पे गोकू कहता है, वेजिटा क्या तुम इस एंजल को थोड़ी सी इज्जत देने का कष्ट करोगे? क्योंकि अगर ये यहां से चली गई तो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं होगा, समझे? इस पे वेजिटा कहता है, हाँ हाँ ठीक है कैकरोट, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन एंजल मुझे ये बताओ, वो तो तुम्हारा बेटा है ना, तो क्या तुम उसे समझा नहीं सकती? इस पे कोरी कहती है, भले ही वो मेरा बेटा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो अकुमो का भी खून है, समझे? तो उसे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, जब अकुमो उसे खुद नहीं संभाल पा रहा तो मैं भला उसे कैसे संभाल पाऊंगी। इस पे वेजिटा कहता है, ये सब तुम दोनों की लापरवाही का नतीजा है। इस पे कोरी कहती है, क्या तुमने फिर से कुछ कहा? इस पे वेजिटा कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ज़ेनोसामा वाकई में उसे हरा पाएंगे? इस पे गोकू कहता है, मुझे पता नहीं, उम्मीद है कि ज़ेनोसामा हमें निराश नहीं करेंगे। इस पे क्योगा कहता है, लेकिन गोकू, उसने तुम्हारी और वेजिटा की सेलेस्टियल एनर्जी को सोख लिया,
लेकिन क्या वो ज़ेनोसामा की सेलेस्टियल एनर्जी को सोख पाएगा? इस पे गोकू कहता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, हम बस सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। तभी क्योगा कुरी से कहता है, हे, अगर तुम इन दोनों को ठीक कर सकती हो तो तुम यामोशी को ठीक नहीं कर सकती? इस पे कुरी कहती है, तुम्हें क्या लगा मैंने ये कोशिश नहीं की? मैंने पहले यही कोशिश की थी कि मैं यामोशी को ठीक करूं, लेकिन उसका सेलेस्टियल पावर मेरी सोच से कहीं आगे है और मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसे ठीक कर पाऊं। वो खुद ब खुद अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और उसमें थोड़ा उसे वक्त लगेगा। इस पे क्योगा कहता है, लेकिन तुमने गोकू और वेजिटा को ठीक कर दिया, इनके पास भी तो वही सेलेस्टियल पावर है। इस पे कोरी कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, इन दोनों ने अभी सेलेस्टियल पावर को मास्टर नहीं किया है, इन्हें अभी उस पावर को मास्टर करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मानना पड़ेगा तुम दोनों की ताकत कमाल की है। मैंने तुम दोनों को ठीक तो कर दिया है, लेकिन तुम्हारी पावर पूरी तरीके से रिस्टोर अभी नहीं हुई है और मैं वो नहीं कर सकती, वो तुम्हारा शरीर खुद ब खुद कर लेगा, हालांकि उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। इस पे गोकू कहता है, हमारी उम्मीद अब ज़ेनोसामा पे टिकी है, अब वो ही कुछ कर सकते हैं। उधर हम ज़ेनोसामा को देखते हैं जो कि कासुमा पे लगातार अपने हमले को किए जा रहे होते हैं। कासुमा उनके हमले को कंटिन्यू रोके जा रहा होता है और उनसे कहता है, क्या हुआ ज़ेनोसामा, कहीं आप डर तो नहीं रहे ना? इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, मैं और तुम जैसे से डरूंगा, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा कासुमा पे अपना एक की ब्लास्ट करते हैं, लेकिन कासुमा उसे काफी आसानी से डॉच कर लेता है और कहता है, आप मुझसे डर नहीं रहे तो अपनी सेलेस्टियल पावर का इस्तेमाल मुझ पर क्यों नहीं करते? कहीं आपको इस बात का डर तो नहीं कि मैं उसे भी सोख लूंगा और उसके बाद मैं पहले के मुकाबले और कहीं ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा? इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, ये तुम्हारी गलतफहमी है, समझे, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो और मेरे खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। इस पे कासुमा कहता है, ये आपकी गलतफहमी है ज़ेनोसामा। ये कहने के बाद कासुमा ज़ेनोसामा पे अपना एक खतरनाक हमला करता है जिससे कि ज़ेनोसामा काफी दूर जाके गिरते हैं और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। कासुमा को ऐसा करता देखकर गोकू काफी हैरान होता है और कहता है, क्या ये सच में मुमकिन है? वो ज़ेनोसामा को चोट पहुंचा रहा है। इस पे वेजिटा भी कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है, ये इतना ताकतवर कैसे हुआ? इस पे क्योगा कहता है, नहीं ज़ेनोसामा, अभी ये नहीं हार सकते, नहीं, हम सबको उन पर भरोसा रखना होगा। इस पे कासुमा कहता है, बिल्कुल, मैं चाहता हूं तुम सब अपने ओमनी किंग पे उम्मीद बनाए रखो, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब वो उम्मीद टूटेगी तो मुझे तुम सबके वो चेहरे देखने में काफी सुकून मिलेगा। जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा अचानक से कासुमा पे एक जोरदार पंच करते हैं जिससे कि कासुमा काफी दूर जाके गिरता है और ज़ेनोसामा उससे कहते हैं, जब तक ये लड़ाई चल रही है अपना ध्यान तुम लड़ाई पे रखो तो बेहतर होगा, समझे। ये बात को कहने के बाद ज़ेनोसामा फिर से एक और हमला कासुमा पे करते हैं, लेकिन इस बार ज़ेनोसामा के हमले को कासुमा रोक लेता है और कहता है, मेरे प्यारे ज़ेनोसामा, क्या आप भूल गए, मैंने अभी अभी 3 सेलेस्टियल एनर्जी को सोख लिया है, भले ही आप ताकतवर हो लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं, समझे। ये कहने के बाद कासुमा ज़ेनोसामा की गर्दन पकड़ लेता है और एक खतरनाक की ब्लास्ट उनपे करता है। ज़ेनोसामा काफी कोशिश करते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते और फिर वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यामोशी फाइनली अब ठीक होकर खड़ा हो जाता है और कहता है,
जिनोसमा उससे फाइट कर रहे हैं। इस पे क्योगा कहता है, यामोशी तुम ठीक हो गए। इस पे यामोशी कहता है, क्योगा अभी इन सब पे बात करने का वक्त नहीं है, हमें जिनोसमा पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं उनकी मदद करना चाहता हूं लेकिन मैं अभी ये चाहकर भी नहीं कर सकता। अगर मुझे ये पहले पता होता कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है तो मैं इस बात का ध्यान रखता, लेकिन मुझसे गलती हो गई। मैं अब सेलेस्टियल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि शायद अब वो सैयन सेलेस्टियल एनर्जी को अच्छे से जानता है, इसलिए वो ये कर पाया। इस पे कोरी कहती है, तुमने सही कहा, उसके पास भी सेलेस्टियल सील है और उसने गोकू और वेजिटा के भी सेलेस्टियल सील को सोख लिया। इस पे गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ सैयन सेलेस्टियल सील को ही सोख सकता है। इस पे यामोशी कहता है, शायद हो सकता है तुम्हारी ये बात सच हो, क्योंकि पहले तो मुझे यही लगा था कि वो सभी सेलेस्टियल एनर्जी को सोख सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो वो शायद जिनोसमा के सेलेस्टियल एनर्जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और उधर हम देखते हैं कि जिनोसमा लगातार अपना हमला कासुमा पे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कासुमा उनके हर हमले को रोक लेता है। जिनोसमा उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। तभी कासुमा कहता है, क्या हुआ जिनोसमा, क्या मैं ये मान लूं कि ओमनी किंग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही कर सकता है और लड़ाई के मामले में वो कुछ नहीं कर सकता। इस पे जिनोसमा कहते हैं, बस सब बहुत हुआ। जैसे ही ये बात जिनोसमा कहते हैं, हम देखते हैं कि कासुमा जिनोसमा पे फिर से अपना एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिनोसमा को उससे कुछ नहीं होता और हम देखते हैं जिनोसमा फाइनली अपने सेलेस्टियल सील को अनलॉक कर देते हैं। उसे देख के कासुमा कहता है, क्या बात है, आखिरकार आपने ये कर ही दिया। इस पे वेजिटा कहता है, तो ये है जिनोसमा की असली सेलेस्टियल सील। इस पे कासुमा कहता है, ये मेरे लिए काफी गर्व की बात है कि एक ओमनी किंग को मुझे हराने के लिए अपने सेलेस्टियल सील को अनलीज करना पड़ा। जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि जिनोसमा पलक झपकाने से पहले ही उसके सामने आ जाते हैं, और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, हम देखते हैं कि जिनोसमा उस पर अपना एक खतरनाक हमला करते हैं, जिसे कि कासुमा रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इस पे गोकू कहता है, ये ताकत तो वाकई में कमाल की है, कासुमा अब कुछ भी नहीं कर पा रहा और वो बहुत ही बुरी तरीके से पिट रहा है। जिनोसमा लगातार कासुमा पे अपना हमला किए जा रहे होते हैं। इस पे यामोशी कहता है, मैं समझ गया, तो यही है इसकी असलियत, ये सिर्फ सैयन सेलेस्टियल सील को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन एक ट्रू ओमनी ब्लड को नहीं। हम देखते हैं कि जिनोसमा लगातार उस पे अपने कई सारे हमले को किए जा रहे होते हैं। कासुमा बहुत कोशिश करता है लेकिन वो अब जिनोसमा के किसी भी हमले को नहीं रोक पा रहा होता और उनसे लगातार पिटता जा रहा होता है। तभी जिनोसमा कहते हैं, मैंने कहा था मैं अकुमो नहीं हूं और मैं तुम्हें नहीं बख्शने वाला हूं, बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद जिनोसमा एक जोरदार हमला कासुमा पे करते हैं। कासुमा उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं, आखिर ये क्या हो रहा है, तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो। कासुमा जिनो के हमले को अपनी पूरी ताकत लगाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जिनोसमा के हमले को रोक नहीं पाता और घायल होकर नीचे गिर जाता है और कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है। इस पे जिनोसमा कहते हैं, बहुत हुआ कासुमा, अब तुम मरो। ये कहने के बाद जिनोसमा अपना एक बहुत ही पावरफुल हमला कासुमा की तरफ कर देते हैं। कासुमा काफी गुस्से में अपनी पावर को अप करता है और वो उनके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिनोसमा के हमले को रोक नहीं पाता
और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे कि बहुत सारे यूनिवर्स हिल जाते हैं। इस पे गोकू कहता है, क्या बात है, वाकई में ये ताकत तो बहुत ही ज्यादा थी। इस पे वेजिटा कहता है, तो आखिरकार वो मारा गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, कासुमा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने आगे निकल जाओगे। मैं ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम्हारे पास भी सेलेस्टियल सील जितनी ताकत हो सकती है। तुमसे लड़ाई के दौरान मैंने एक चीज महसूस की जो कि काफी हैरान कर देने वाली थी। पहले तो मुझे इस पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैं समझ गया कि ये वाकई में सच है। तुम्हारे पास मल्टीपल सेलेस्टियल सील है। और तभी हम देखते हैं कि हमें ज़ेनोसमा को दिखाया जाता है। सभी लोग ज़ेनोसमा की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है, मैंने कहा था कि एक ओमनी गॉड मुझे हराने के लिए अपने सेलेस्टियल सील का इस्तेमाल कर रहा है। ये मेरे लिए काफी गर्व की बात है, लेकिन एक ओमनी गॉड होकर आप एक सैयन से हार जाओ, ये तो आपके लिए बहुत ही शर्म की बात है। गोकू और वेजिटा उसे देखकर काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या ये भला कैसे हुआ। जैसे ही ये बात गोकू कहता है, हम देखते हैं कि ज़ेनोसमा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं और जमीन पर घायल होकर गिर जाते हैं। इस पे यामोशी कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है। यानी कि इसका मतलब तुम्हारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ सेलेस्टियल सील है। इस पे कासुमा कहता है, हाँ, अब तुम सही समझे यामोशी। हम देखते हैं कि कासुमा ने ज़ेनोसमा को बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर दिया होता है। उसे ऐसा करता देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इस पे गोकू कहता है, क्या ये भला कैसे मुमकिन है। इस पे यामोशी भी कहता है, क्या यानी कि मैं गलत था, इसके पास मल्टीपल सेलेस्टियल सील है। इस पे वेजिटा कहता है, क्या अब इसका क्या मतलब है। इस पे यामोशी कहता है, पहले तो मुझे लगा था कि ये सिर्फ सैयन सेलेस्टियल सील की एनर्जी को ही सोख सकता है, लेकिन मैं गलत था। पता नहीं कैसे इसके पास ओमनी सेलेस्टियल सील भी है। इस पे कूरी कहती है, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकता, ओमनी सेलेस्टियल सील सिर्फ ओमनी किंग के पास ही होता है। इस पे यामोशी कहता है, हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन तुम ही बताओ कि ये फिर भला कैसे मुमकिन है कि वो ज़ेनोसमा की शक्ति को सोख सकता है। इस पे कूरी कहती है, मैं भी इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, ये मेरी सोच से कहीं ज्यादा परे है। इस पे क्योगा कहता है, ठीक है, मैं समझ गया तुम सभी का कहने का क्या मतलब है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए। इस पे कासुमा कहता है, क्या मतलब तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम सब मजबूर हो, तुम सभी मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते हो, समझे। लेकिन मैं सच में हैरान हूं कि ज़ेनोसमा भी मेरे सामने ढेर हो गए। इस पे वेजिटा कहता है, क्या तुम सबके पास और कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि हम इसे रोक पाएं, क्योंकि वो थोड़ी देर में शायद हम सभी को मार देगा। इस पे कूरी कहती है, जब ज़ेनोसमा हार गए तो हमारे पास अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है। इस पे यामोशी कहता है, नहीं, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि यामोशी अपने सुपर सैयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस पे कासुमा कहता है, क्या तुम सच में कोई मजाक कर रहे हो, मेरा सामना ज़ेनोसमा नहीं कर पाए,
और ये बाकी सब सैयंस भी नहीं कर पाए, तो तुम भला इस रूप में आकर मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। इस पे यामोशी गोकू से कहता है, हे गोकू, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, ध्यान रहे। इस पे गोकू कहता है, ये तुम भला क्या कह रहे हो। गोकू फिर मन ही मन सोचता है, मैं समझ गया। इसके बाद यामोशी कासुमा के सामने आ जाता है और कहता है, कासुमा, तुम्हें ये सभा भी के अभी रोकना होगा। इस पे कासुमा कहता है, लगता है कि तुम शायद पागल हो गए हो, पता नहीं तुम करना क्या चाहते हो। जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि कासुमा पे यामोशी अपना हमला करता है। कासुमा उसे काफी आसानी से डॉच कर लेता है और कहता है, तुम सच में बेवकूफी कर रहे हो, तुम जानते हो इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, समझे यामोशी। यामोशी कासुमा की बातों को नजरअंदाज करता है और उस पर लगातार अपना हमला करता रहता है। तभी हम देखते हैं कि कासुमा अचानक से यामोशी के हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है, होश में आओ यामोशी, कहीं तुम मरने के डर से पागल तो नहीं हो गए ना। इसके बाद हम देखते हैं कि कासुमा यामोशी पे एक जोरदार पंच करता है, जिसे कि यामोशी रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद तुरंत कासुमा यामोशी के पास पहुंच जाता है और कहता है, चलो आज लगता है सबसे पहले तुम ही मरोगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कासुमा यामोशी पे अपना हमला करने वाला होता है कि अचानक से उसे गोजेटा आकर एक जोरदार पंच मारता है, जिसे कि कासुमा रोक नहीं पाता और थोड़ा पीछे हट जाता है। इस पे यामोशी कहता है, तो आखिर तुम मेरी बात को समझ गए। इस पे गोकू कहता है, मैं समझ गया था कि तुम क्या कहना चाहते हो, हम इसे अकेले नहीं हरा सकते, इसलिए हमें ये मिलकर करना होगा। इस पे कासुमा कहता है, क्या बात है फ्यूजन, ये तो कुछ अजीब है, तुम दोनों ये कर सकते हो। चलो अच्छा है, मैं आज इस ताकत को भी देख लेता हूं कि भला तुम इसके साथ और क्या कर सकते हो। इस पे गोजेटा कहता है, मुझे ये नहीं पता कि ये मेरी कोशिश कितनी सफल होगी, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। गोजेटा को देखकर कुरी कहती है, ये प्राइमल पावर का फ्यूजन है, ये दोनों उसे एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो कुछ अलग है। लेकिन इस पे क्योगा कहता है, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो कुरी। इस पे कुरी कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूं। इस पे क्योगा कहता है, क्योंकि मैं भी बिल्कुल वही सोच रहा हूं, क्योंकि ये दोनों की ताकत अभी पूरी तरीके से रिस्टोर नहीं हुई है, और पता नहीं आखिर ये दोनों कितनी देर तक इस रूप में रह पाएंगे, क्योंकि उनकी ताकत अभी भी काफी कम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आपस में फ्यूज किया। इस पे कासुमा कहता है, तुम दोनों साइंस मुझे बहुत ही ज्यादा हैरान कर रहे हो, काश तुम लोगों को मुझे मारना नहीं पड़ता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। इस पे गोजेटा कहता है, तुम्हें खुद पे इतना यकीन है कि तुम हमें आराम से हरा दोगे। इस पे कासुमा कहता है, हाँ बिल्कुल, क्या ये भी कोई पूछने की बात है, तुम दोनों मेरे सामने भला क्या ही कर लोगे। ये कहने के बाद कासुमा गोजेटा पे अपना हमला करता है, लेकिन गोजेटा उसके हमले को सामने से रोकता है और उससे कहता है, ये ताकत पहले की तरह नहीं है, समझे। इस पे कासुमा कहता है, तुम्हारी इस ताकत का भी मुझ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि गोजेटा कासुमा पे एक जोरदार पंच करता है, जिसे कि कासुमा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट जाता है। और इसी पे गोजेटा कहता है, लड़ाई से पहले किसी को भी कमजोर समझना, ये किसी भी वॉरियर के लिए बेवकूफी होती है, समझे। इस पे कासुमा कहता है, तुम जितना सोच रहे हो
मैं उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर हूँ, समझे बेवकूफ। ये कहते ही कासुमा गोजेटा पे एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोजेटा भी अपना हमला कासुमा की तरफ करता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी तुरंत गोजेटा कासुमा के सामने आ जाता है और उसे एक जोर का हिट करता है, जिसे कि कासुमा पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। और गोजेटा से कहता है, नहीं, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। गोजेटा उसकी बात को सुनने के बाद उससे कहता है, तुम बेवकूफ नहीं हो, लेकिन तुम होशियार भी नहीं हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोजेटा धूल की तरह कासुमा के सामने से गायब हो जाता है और कासुमा को पीछे से एक जोरदार पंच पड़ता है, जिससे कि वो काफी दूर जाके गिरता है। इस पे कासुमा कहता है, क्या ये भला कैसे हुआ? इस पे यामोशी कहता है, शायद ये दोनों अपनी प्राइमल पावर के फ्यूजन की मदद से कुछ कर पाए। गोजेटा कासुमा से कहता है, तुम सेलेस्टियल एनर्जी को सोख सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी कोई भी सेलेस्टियल एनर्जी नहीं है और ना ही मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, ये प्राइमल पावर है। इस पे कासुमा कहता है, अच्छा तो ये बात है, मैं समझ नहीं पाया कि आखिर तुम ये कैसे कर पा रहे हो, तुम्हारी ये ताकत अच्छी है। जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि गोजेटा अपना हमला कासुमा पे फिर से कर देता है। कासुमा उसे इस बार रोकता है, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है और मन ही मन कहता है, ये थोड़ा पेचीदा है, मुझे इसे थोड़ा सा समझना होगा। गोजेटा दोबारा हमला करता है, इस बार कासुमा उसके हमले को डॉच कर लेता है और उस पे अपना एक की ब्लास्ट करता है, लेकिन गोजेटा उसे भी डॉच करता है और उस पे एक जोरदार किक करता है, जिससे कि वो काफी दूर जाके गिरता है। इस पे कूरी कहती है, ये दोनों सच में कासुमा पे भारी पड़ रहे हैं। इस पे क्योगा कहता है, पता नहीं, जब तक ये लड़ाई चल रही है अभी कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोजेटा कासुमा से कहता है, अब ज्यादा वक्त ना गवाते हुए इस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोजेटा अपनी पावर को अप करता है और अपने कामेहामेहा को प्रिपेयर करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक तेज रोशनी होती है और वो रोशनी जैसे ही हटती है, हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा अलग हो जाते हैं और वो अपने गॉड फॉर्म में आ जाते हैं। इस पे क्योगा कहता है, क्या ये भला क्या हुआ? इस पे यामोशी कहता है, लगता है उनकी ताकत खत्म हो गई। इस पे गोकू कहता है, ये इतनी जल्दी भला कैसे खत्म हो गया? क्या हमारे पास बस इतनी ही ताकत बची थी? इस पे वेजिटा कहता है, कैकरोट, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने कहा था हमारे पास अभी उतनी ताकत नहीं है, ये फ्यूजन करना बेकार है। इस पे गोकू कहता है, वेजिटा क्या तुम चिल्लाना बंद करोगे? क्या हमारे पास कोई और रास्ता था? मुझे लगा था कि हम फ्यूजन की मदद से शायद उसे रोक पाएंगे, लेकिन ये इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, ये किसने सोचा था? हमारे पास ताकत को रिस्टोर करने का कोई भी रास्ता नहीं है। इस पे कासुमा कहता है, ये क्या, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, मैंने तो सोचा था तुम्हारी ताकत को थोड़ा और आजमाऊंगा, क्योंकि ये मेरे लिए कुछ नया था, लेकिन ये तो बहुत ही जल्दी खत्म हो गया। क्या तुम सबके पास करने के लिए कुछ और है, तो बोलो। इस पे वेजिटा मन ही मन सोचता है, मैं इतना असहाय नहीं हो सकता और ना ही इतना कमजोर, बिल्कुल नहीं। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करता है और अकेले कासुमा पे अपना हमला करने के लिए चला जाता है। इस पे कासुमा कहता है, तुम्हें पता है ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। ये कहने के बाद वेजिटा सीधे कासुमा पे एक जोरदार हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि
कासुमा उसके अटैक को बहुत ही आसानी से खड़े खड़े डॉच कर लेता है और उससे कहता है, मैं इसे तुम्हारी बहादुरी कहूं या बेवकूफी। ये कहने के बाद कासुमा वेजिटा पे एक जोरदार पंच करता है। वेजिटा उसके पंच से अधमरा होकर नीचे गिर जाता है। गोकू वेजिटा को देखकर चिल्लाता है, नहीं वेजिटा। ये कहने के बाद गोकू भी अपनी पावर को अप करता है और कासुमा की तरफ टूट पड़ता है, लेकिन कासुमा उसके भी हमले को बहुत ही आसानी से डॉच कर लेता है और उससे कहता है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम इसे बचा लोगे और वो भी मुझसे। ये कहने के बाद कासुमा गोकू पे भी एक जोरदार हमला करता है जिसे कि गोकू रोक नहीं पाता और घायल होकर नीचे गिर जाता है। इस पे यामोशी कहता है, नहीं गोकू। ये कहने के बाद यामोशी भी किसी तरीके से खड़ा होता है और अपना हमला कासुमा पे करता है, लेकिन हम देखते हैं कि यामोशी के हमले को भी कासुमा बहुत ही इजीली डॉच कर लेता है और उसके पास पहुंच जाता है और उस पे एक जोरदार पंच करता है जिसकी वजह से यामोशी भी जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। क्योंकि ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो एक एक करके सबको ढेर किए जा रहा है। जैसे ही ये बात क्योगा कहता है, हम देखते हैं कि कासुमा क्योगा के सामने आ जाता है और उससे कहता है, तुम यहां पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें लड़ने की हिम्मत नहीं है, तुम यहां पर बस छुपकर अपने साथियों को पिटता हुआ देख रहे हो, तुम जैसे सयन को तो सच में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कासुमा क्योगा पे अपना हमला करता है। क्योगा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो हिल भी नहीं पाता और वहीं पर खड़ा रहता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि कासुमा थोड़ी दूर जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि क्योगा के आगे कोड़ा खड़ा होता है और कहता है, मेरे छोटे भाई से दूर रहो, समझे बेवकूफ। हम देखते हैं कि कोड़ा कासुमा के सामने आ जाता है और क्योगा को बचा लेता है। इस पे जोमान कहता है, लगता है हम सही समय पे पहुंच गए। इस पे क्योगा कहता है, क्या तुम लोग यहां पर। इस पे जोमान कहता है, लॉर्ड अकुमो ने इस लड़ाई को लड़ने से मना कर दिया है, लेकिन कोड़ा इस लड़ाई में है और वो कासुमा से लड़ेगा। इस पे क्योगा कहता है, ये तुम भला क्या कह रहे हो, तुम सब तो इसे जिंदा करने के लिए ये सब कर रहे थे, लेकिन तुम लोग अब उसे ही मारने के लिए यहां पर आए हो, यानी कि तुम अकुमो के खिलाफ हो। इस पे जोमान कहता है, हाँ तुम ऐसा कुछ कह सकते हो, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि कोड़ा लॉर्ड अकुमो के खिलाफ जाकर कासुमा से लड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कोरी कोड़ा को देखकर कहती है, क्या अब ये भला कौन है, और पता नहीं क्यों इसके अंदर से मुझे कुछ जानी पहचानी शक्ति का आभास हो रहा है, ये काफी अजीब है। इसके बाद कासुमा कहता है, अब तुम भला कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़ाई के बीच में आने की। इस पे कोड़ा कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने मेरे छोटे भाई को मारने के बारे में सोचा। ये कहने के बाद कोड़ा अपनी पावर को थोड़ा अप करता है और उस पे एक जोरदार पंच करता है, लेकिन कासुमा कोड़ा के पंच को इजीली डॉच कर लेता है और कहता है, बेवकूफ कहीं के, जब मेरा सामना ये सभी सयन नहीं कर पाए तो तुम भला क्या ही कर लोगे, ज़ेनोसम अभी मेरे सामने नहीं टिक पाए, तुम्हें लगता है तुम वाकई में मुझे हरा पाओगे। इस पे कोड़ा कहता है, तुम जो सोच रहे हो मैं वो नहीं हूं। ये कहने के बाद कोड़ा कासुमा के पीछे आ जाता है और कासुमा पे एक जोरदार पंच करता है। कासुमा उस पंच को रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इस पे कासुमा कहता है, ये सयन को तो मैं समझ नहीं पा रहा, ये बाकियों की तरह नहीं है, क्या इसके पास भी सेलेस्टियल सील है, अगर ऐसा है
तो ये मेरे भी काफी काम आ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कूरी कहती है, ये सैयन वाकई में थोड़ा सा अजीब है, ये बाकियों से अलग है। इस पे जोमान कहता है, वो कोड़ा है, नंबर वन लेजेंडरी सैयन। हे क्योगा, तुम्हारे बड़े भाई ने सही समय पर आकर तुम्हें बचा लिया, क्या तुम्हें इस चीज की खुशी नहीं हो रही है? इस पे क्योगा कहता है, मुझे कोड़ा से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, भले ही वो मुझे बचाने के लिए ही क्यों ना आया हो, उसने जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए उसे कभी भी माफ नहीं करने वाला। इस पे जोमान कहता है, आखिर बात क्या है क्योगा, तुम कोड़ा से इतनी नफरत क्यों करते हो? इस पे क्योगा कहता है, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम सच में नहीं जानते। इस पे जोमान कहता है, मैं सच में ये नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इस पे क्योगा कहता है, जाइको, उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कोड़ा है। इस पे जोमान कहता है, क्या तुम सच में उसके बारे में ऐसा सोचते हो? सभी जानते हैं कि वो सब कुछ हमारे हाथ में नहीं था। इस पे क्योगा कहता है, नहीं तुम गलत हो, मैं जानता था कि जाइको वो नहीं कर सकता है, लेकिन कोड़ा उसे अपने साथ जबरदस्ती लेकर गया था, लेकिन वो तो गॉड्स के हाथों बच गया, लेकिन जाइको नहीं बच पाया, मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता, समझे? इस पे जोमान कहता है, मैं तुम्हें इसके पीछे की वजह समझा नहीं सकता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं किसी दिन तुम समझ जाओगे। इस पे क्योगा कहता है, नहीं कभी भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला, और जिस दिन मुझे मौका मिलेगा, अगर मैं कोड़ा से ज्यादा ताकतवर हो गया तो मैं उसे मार दूंगा, और एक दिन मैं ये करके रहूंगा। इसमें जोमान मनी मन कहता है, शायद तुम किसी दिन समझोगे क्योगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कासुमा कहता है, तुम आखिर हो कौन? मैंने तुम्हारी ताकत को महसूस किया, लेकिन वो तो कुछ ज्यादा ही अलग है। इस पे कोड़ा कहता है, मेरा नाम कोड़ा है और मैं नंबर वन लेजेंडरी सैयन हूं। इस पे कासुमा कहता है, क्या ये बात सिर्फ इतनी ही है या कुछ और भी है, जिसे कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कुछ तो है जो कि तुम छुपा रहे हो। कोड़ा कासुमा की बातों को इग्नोर कर देता है और वो कुछ नहीं कहता, और वो दोबारा उस पे अपना अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार कासुमा भी सामने से कोड़ा पे अपना हमला करता है और उसके हमले को सामने से रोकता है। दोनों जब आपस में टकराते हैं तो एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसे कूरी देखकर कहती है, आखिर ये है क्या? क्या उसके पास भी सेलेस्टियल सील है? अगर हाँ तो भी वो उसका सामना नहीं कर पा रहा, किसी भी सैयन के लिए ये करना मुमकिन नहीं है। इस पे कूरी कहती है, आखिर वो ये कैसे कर पा रहा है? कासुमा के पास तो अभी मल्टीपल सेलेस्टियल सील है, पर फिर भी वो उसके सामने टिका हुआ है, आखिर कैसे? किसी भी सैयन के लिए ये करना मुमकिन नहीं है। इस पे जोमान कहता है, मैं जानता हूं तुम सब काफी हैरान हो, मैं जानता हूं तुम्हें ये देखकर बहुत ही हैरानी हो रही है, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे भी कोड़ा के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है, लेकिन सिर्फ इतना जानता हूं उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। उसकी ताकत के बारे में लॉर्ड अकुमो के अलावा कोई भी नहीं जानता। इसके बाद हम देखते हैं कि कोड़ा और कासुमा एक दूसरे पे कई सारे हमले को करते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के हमले को ही अवॉइड किए जा रहे होते हैं। इस पे कासुमा कहता है, क्या बात है कोड़ा, तुम्हारी ताकत को समझना काफी मुश्किल है, आखिर ऐसा क्या है जो तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो? हम देखते हैं कोड़ा उसकी बातों को फिर से इग्नोर कर देता है और उस पे अपना एक जोरदार हमला करता है। कासुमा उसे रोकता है और कहता है, अगर तुम खुद ये नहीं करने वाले तो कोई बात नहीं, मुझे और भी तरीके आते हैं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि
कासुमा अपनी पावर को अप करता है और कोड़ा पे अपना हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि कोड़ा भी अपनी पावर को अप करता है और उसके हमले को रोकता है। इस पे कासुमा कहता है, तुम्हारी असली ताकत दिखाओ कोड़ा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कासुमा एक पावरफुल की ब्लास्ट करता है जिसे कि कोड़ा रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि कोड़ा इस बार उसके हमले को रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इस पे क्योगा कहता है, क्या कोड़ा उसे हरा पाएगा? मुझे नहीं लगता। इस पे जोमान कहता है, मैं भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है जो कि मन ही मन सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ कि कासुमा शायद इस बार गलत है, लेकिन मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। और जहाँ तक उन दोनों की बात है, आने दो उन्हें, मैं उन्हें देख लूँगा। और गोबामा, पता नहीं ये आखिर है कौन, लेकिन तुम जो भी हो, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस यूनिवर्स से दूर रहो। मुझे नहीं पता तुम कितने ताकतवर हो, लेकिन मैं तुम्हें इस यूनिवर्स के साथ कुछ नहीं करने दूंगा, क्योंकि जो करना है अब वो कासुमा करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कासुमा को दिखाया जाता है जो कि कोड़ा के साथ फाइट कर रहा होता है और कहता है, तुम कुछ अलग हो बाकियों से, लेकिन जब तक तुम मुझे अपनी असली ताकत नहीं दिखाते, तुम मुझसे लड़ने के लायक नहीं रहोगे। इस पे कोड़ा कहता है, तुम इस यूनिवर्स और मल्टीवर्स के साथ जो भी करना है करो, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना ही मेरा उससे कुछ लेना देना है, लेकिन तुम्हें मेरे छोटे भाई से दूर रहना चाहिए था। इस पे कासुमा कहता है, वो डरपोक तुम्हारा भाई है। इस पे कोड़ा कहता है, ध्यान रहे, ये तुम्हारे शब्द तुम पर ही भारी पड़ न जाए। इस पे कासुमा कहता है, मुझ पर कोई भी भारी नहीं पड़ सकता, समझे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कासुमा अपनी पावर को थोड़ा और अप करता है और कहता है, देखते हैं कब तक तुम अपनी असलियत छुपाते हो। ये कहने के बाद कासुमा कोड़ा पे अपना कंटिन्यू हमला करता रहता है। कोड़ा उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोड़ा अब उसके किसी भी हमले को नहीं रोक पाता। इस पे जोमान कहता है, कोड़ा, इसने अचानक से अपनी ताकत कैसे बढ़ा ली? इस पे कूरी कहती है, तुम उसे कमजोर समझने की गलती मत करना, बिल्कुल भी नहीं, वो सेलेस्टियल सील को सोख सकता है और उसने अभी अभी 4 सेलेस्टियल सील को सोखा है और उसमें से एक ज़ेनोसमा भी है। वो कासुमा का सामना शायद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ वो बहुत ताकतवर है। हम देखते हैं कि कासुमा कंटिन्यू कोड़ा पे अपने कई सारे हमले को किए जा रहा होता है। कोड़ा उसके किसी भी हमले को अब रोक नहीं पाता। इस पे कासुमा कहता है, क्या हुआ कोड़ा, तुम कब तक अपनी ताकत छुपाते रहोगे? मैं जानता हूँ तुम जानबूझकर ये कर रहे हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कासुमा कोड़ा पे एक जोरदार की ब्लास्ट करता है जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि कोड़ा उस धमाके से काफ़ी दूर जाके गिरता है। इस पे कोरी कहती है, मैंने कहा था कोड़ा उसका सामना नहीं कर पाएगा। इस पे कासुमा कहता है, मैं जानता हूँ कि ये ऐसे नहीं मानने वाला, लेकिन मुझे पता है मुझे क्या करना है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कासुमा तुरंत क्योगा के पास पहुंच जाता है और क्योगा उसे देख के कहता है, क्या तुम? इस पे कासुमा कहता है, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। इस पे जोमान कहता है, क्या आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? इस पे कासुमा कहता है, तुम्हारा भाई ऐसे नहीं मानने वाला, लेकिन मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्योगा कुछ कर पाता इससे पहले ही कासुमा उस पर अपना एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है।
जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उसकी वजह से वो पूरा यूनिवर्स कांपने लगता है। जैसे ही वो धमाका हटता है, हम देखते हैं कि कोड़ा क्योगा के आगे खड़ा होता है और उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। कासुमा उसे देख के काफी हैरान होता है और कहता है, क्या ये नामुमकिन है? तो ये है तुम्हारी असली ताकत? तो तुम एक इलाइट सैयन हो। हम देखते हैं कि कोड़ा कासुमा के सामने खड़ा होता है और कासुमा को यह पता चल जाता है कि कोड़ा एक इलाइट सैयन है। ये जानने के बाद कासुमा काफी हैरान होता है और उससे कहता है, ये तो सच में हैरान कर देने वाली बात है। इस पे जोमान कहता है, लेकिन ये भला कैसे मुमकिन है? इस पे क्योगा कहता है, मैं जानता हूं, ये जान के तुम सभी काफी हैरान होगे कि कोड़ा एक इलाइट सैयन है, लेकिन ये सच है। इस पे जोमान कहता है, लेकिन क्योगा, ये भला कैसे मुमकिन है? कोड़ा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ड्रैगन बॉल्स इलाइट सैयन को जिंदा नहीं कर सकते, तो ये भला कैसे हुआ? इस पे क्योगा कहता है, कोड़ा के मामले में ये थोड़ा अलग है, मैं इस बारे में पूरी तरीके से नहीं जानता हूँ, लेकिन वो बाकी सैयंस के मुकाबले सभी सैयंस से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। इस पे जोमान कहता है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया, लेकिन फिर भी ये मुमकिन नहीं है कि कोड़ा वापस से जिंदा हो पाए। इलाइट सैयंस को ख़त्म हुए लाखों साल बीत चुके हैं। उधर हम कोड़ा को देखते हैं जो कि कासुमा को देख के कहता है, मुझे पता है तुम ये देख के हैरान होगे कि मैं जिंदा कैसे हूँ। इस पे कासुमा कहता है,
मुझे हैरानी नहीं है, बल्कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी है इस बात से कि अभी भी एक ही लाइट सैयन है जो कि जिंदा है। इस पे कोड़ा कहता है, ये सब कुछ रोक दो कासुमा, तुम जानते हो ये सब करने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। लॉर्ड अकुमो का मकसद सिर्फ तुम्हें जिंदा करने का था, वो भी सैयन साम्राज्य चाहते थे, लेकिन अब उनका ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, समझे। इस पे कासुमा कहता है, हो सकता है उनका मन बदल गया हो, लेकिन मैं अपना मन नहीं बदलने वाला, समझे, बिल्कुल भी नहीं। मुझे सब कुछ चाहिए, सब कुछ, और जो कुछ भी गॉड्स ने हमारे साथ किया, मैं उन सभी का बदला सभी गॉड से लूंगा। इस पे कोड़ा कहता है, तुम जिन गॉड्स के बारे में बात कर रहे हो, उन सभी में से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। इस पे कासुमा कहता है, भले ही वो सभी मारे गए हो, लेकिन मैं गॉड्स के पूरे वजूद को मिटा देना चाहता हूँ, समझे, मैं किसी भी गॉड को जिंदा नहीं छोड़ने वाला, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, और उसके बाद मैं बनूंगा इस पूरे मल्टीवर्स का गॉड। इस पे कोड़ा कहता है, ये सारी बेवकूफी भरी बातें करना बंद करो, समझे, ऐसा तुम नहीं कर सकते और ना ही मैं तुम्हें करने दूंगा। इस पे कासुमा कहता है, वाकई में तुम ये कह रहे हो कोड़ा, मुझे यकीन नहीं होता, इस पर थोड़ा विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारे पूरे इलाइट सैयंस की प्रजाति को गॉड्स ने मिटा दिया, कोई भी नहीं बचा, और अब तुम उन्हें बचाने के बारे में सोच रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो कोई भी इलाइट सैयन को जिंदा नहीं किया जा सकता, वो सभी हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। लेकिन रुको सरा, तुम भी तो एक इलाइट सैयन हो, तो भला तुम कैसे जिंदा हो। इस पे कोड़ा कहता है, तुम जैसा सोच रहे हो मैं पूरी तरीके से वैसा नहीं हूं। इस पे कासुमा कहता है, क्या मतलब, तुम्हारे पास से लाइट पावर है, तुम जिंदा कैसे हो सकते हो। इस पे कोड़ा कुछ नहीं कहता और उस पे एक जोरदार पंच करता है, जिससे कि कासुमा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोड़ा के अंदर से काफी ऊर्जा निकलने लगती है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और कासुमा काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्योगा कहता है, कोड़ा ये काफी नहीं है। इस पे जोमान कहता है, क्या तुम ये क्या कह रहे हो। इस पे क्योगा कहता है, कोड़ा को उसे हराने के लिए और ताकत लगाना होगा। इस पे जोमान कहता है, मुझे इसकी ताकत के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। इस पे कुरी कहती है, मैं भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, मैंने भी इलाइट साइंस के बारे में सिर्फ सुना है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। आखिर इसमें ऐसा क्या है, क्योंकि इलाइट साइंस का जिंदा होना नामुमकिन है। जालमा के ड्रैगन बॉल किसी भी इलाइट साइंस को जिंदा नहीं कर सकते। उधर कोड़ा लगातार कासुमा पे अपने हमले को किए जा रहा होता है। कासुमा उसके हमले को डॉच नहीं कर पाता और उससे पिटता जा रहा था। इस पे कासुमा कहता है, क्या बात है, मैं इसलिए चाहता था कि इलाइट सैयन जिंदा रहे। तुम कमाल के हो कोड़ा, लेकिन फिर भी तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, जो कि तुम ये नहीं कर सकते। ये कहने के बाद कोड़ा के हमले को अचानक से कासुमा रोक लेता है और उस पर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोड़ा अभी उसके हमले को अवॉइड करता है और उससे कहता है, मैंने कहा था ना, तुम जितना सोच रहे हो ये तुम्हारे लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला। मैं जो नहीं करना चाहता, तुम मुझे वो करने पे मजबूर कर रहे हो। ये कहने के बाद कोड़ा कासुमा पे अपना एक की ब्लास्ट करता है, जिससे कि वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि कासुमा उस धमाके को अवॉइड कर लेता है और उससे कहता है, कोड़ा तुम सच में कमाल के हो, मुझे तुम्हें मारने में काफी अफसोस होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो। मैं तुमसे वादा करता हूं,
हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे उन सभी को वापस लाने का। इस पे कोड़ा कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये करना नामुमकिन है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी लाइट सयन अब वापस से जिंदा हो। इस पे कासुमा कहता है, क्या ये तुम भला क्या बकवास कर रहे हो, तुम वाकई में यही चाहते हो कि कोई भी लाइट सयन वापस ना आ सके? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारी बातों पर। ये तुम कह रहे हो, तुम जानते हो वो पूरे मल्टीवर्स में सबसे ताकतवर बींग थे, और उन्हें सिर्फ गॉड्स की सेवा करने के लिए रखा गया था। अगर वो लोग जिंदा रहते तो शायद सारे सुप्रीम गॉड्स की जगह ले सकते थे। इस पे कोड़ा कहता है, बस इसीलिए उन सभी को मिटा दिया गया, क्योंकि ये गॉड्स कभी नहीं चाहते थे। इस पे कासुमा कहता है, क्या तुम्हें लगता है ये सही है? इस पे कोड़ा कहता है, हाँ, क्योंकि अगर किंग अहोरा ज्यादा समय तक जिंदा होते तो हो सकता है वो सारे ओमनी गॉड्स की जगह ले लेते, क्योंकि उनकी ताकत आम साइंस के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाती थी हर लड़ाई के बाद। इसलिए जब इलाइट साइंस और गॉड्स के बीच लड़ाई शुरू हुई तो उन सभी को मार दिया गया, लेकिन किंग अहोरा उन्हें मारना काफी मुश्किल था, क्योंकि उनका सामना कोई नहीं कर पा रहा था, उनकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं था, लेकिन फिर भी किसी तरीके से किंग अहोरा को मार दिया गया उन सभी गॉड्स के हाथों। इलाइट साइंस आने वाले समय के लिए खतरा बन सकते थे, और गॉड्स को उन सभी को मारना एक सही डिसीजन था। इस पे कासुमा कहता है, अच्छा तो तुम ऐसा सोचते हो, तुम्हें नहीं लगता इलाइट सयन के साथ गलत हुआ है, क्योंकि तुम खुद एक इलाइट सयन हो। इस पे कोड़ा कहता है, इसीलिए तो मैं भी मारा गया था, लेकिन उसके बाद लॉर्ड अकुमो ने ड्रैगन बॉल की मदद से मुझे जिंदा किया। इस पे कासुमा कहता है, नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, क्योंकि कोई भी लाइट साइंस ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा नहीं हो सकता। आखिर तुमने ये कैसे किया? तुम्हारा जिंदा होना नामुमकिन है। इस पे कोड़ा कहता है, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता, तुम्हें ये सब रोकना होगा कासुमा, जो पहले हो चुका है मैं नहीं चाहता कि फिर से वो सारी तबाही हो। इस पे कासुमा कहता है, होने के लिए अब बचा ही क्या है, मैं हर हाल में तुम सबको मार कर रहूंगा, तुम मेरा साथ देते हो तो ठीक है, वरना अफसोस मुझे तुम्हें भी मारना होगा इन सभी के साथ। इस पे कोड़ा कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये कर सकते हो तो करो, क्योंकि मैं ये किसी भी कीमत पे नहीं होने दूंगा। ये कहने के बाद कासुमा कोड़ा पे फिर से अपना हमला करता है, जिससे कि कोड़ा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोड़ा को कासुमा का हमला काफी जोर का लगता है, जिससे कि वो थोड़ा पीछे हट जाता है। कासुमा दोबारा से कोड़ा पे अपना हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोड़ा सामने से कासुमा के हमले को रोकता है और कहता है, मैंने कहा ना, मुझे वो करने पे मजबूर मत करो जो कि मैं नहीं करना चाहता, समझे? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कोड़ा कासुमा पे भी अपना एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, जिससे कि वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। कासुमा उसे रोकता है और उससे कहता है, तो तुम भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो, चलो दिखाओ जरा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कोड़ा और कासुमा एक दूसरे पे कई सारे हमले को करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के हमले को रोके जा रहे होते हैं। इस पे जोमान कहता है, चलो भी कोड़ा, तुम्हें ये करना ही होगा, क्योंकि अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। इस पे कूरी कहती है, क्या, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? कासुमा को कोड़ा को हराने में दिक्कत हो रही है, उसने गोकू, वेजिटा और यामोशी और यहाँ तक कि ज़ेनोसोमा की शक्ति को भी सोख लिया, लेकिन वो भला इसे हराने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इस पे क्योगा कहता है, शायद हो सकता है
कोड़ा के पास भी कोई सेलेस्टियल सील ना हो, इसलिए उसे हराना इतना आसान नहीं है। क्योंकि उसके पास कोई भी सेलेस्टियल सील नहीं हुई तो कासुमा को उसकी कमजोरी नहीं मिलेगी। कासुमा के सामने फिलहाल उसकी कोई भी कमजोरी नहीं है। इस पे कोड़ा कहता है, अभी भी वक्त है कासुमा, संभल जाओ, ये सब रोक दो। लॉर्ड अकोमो तुमसे लड़ना नहीं चाहते और ना ही मैं, मुझे मजबूर मत करो। इस पे कासुमा कहता है, मैं किसी भी कीमत पे नहीं रुकने वाला हूं, समझे। ये कहने के बाद कासुमा अपनी पावर को थोड़ा अप करता है और उस पे एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, जिससे कि कोड़ा रोकता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट जाता है। लेकिन तभी कोड़ा कुछ कर पाता, इससे पहले ही कासुमा कोड़ा पे अपना हमला कर देता है, जिसे कि कोड़ा रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इस पे जोमान कहता है, नहीं कोड़ा। इस पे कासुमा कहता है, मैं सच में नहीं चाहता कि ये मुझे करना पड़े, क्योंकि तुम आखिर एक लाइट सैयन हो, लेकिन बेहतर होता तुम इस लड़ाई में मेरा साथ देते। लेकिन तुम भी बिल्कुल इनके जैसे हो, नाकाम और मजबूर। मैं तुम सभी को एक साथ मार दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कासुमा कोड़ा पे फिर से अपना हमला करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जगह पूरी तरीके से हिलने लगती है। ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उस पे क्योगा कहता है, क्या अब ये सब भला क्या हो रहा है। इस पे कासुमा कहता है, क्या अब ये भला कैसी ताकत है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे एक अजीब सी रोशनी होती है और कासुमा के सामने ज़ेनोसमा आकर खड़े हो जाते हैं। और इस बार ज़ेनोसमा अपनी फुल पावर में होते हैं और वो कहते हैं, मुझे आज तक ये करने के लिए किसी ने भी मजबूर नहीं किया। जैसे ही ज़ेनोसमा ये बात कहते हैं, हम देखते हैं कि वहां पर कई सारे प्लैनेट अपने आप नष्ट होने लगते हैं। इस पे कूरी कहती है, नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर ज़ेनोसमा ज्यादा देर तक इस रूप में रहे तो वो सब कुछ तबाह कर देंगे। तभी ज़ेनोसमा कहते हैं, अब भला मुझे इस पूरे मल्टीवर्स को खत्म ही क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन मैं ये करके रहूंगा, मैं तुम्हें मार कर रहूंगा।